आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Assalamualaikum viewers, welcome back to Lazzat Hi Lazzat. I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लाई हूँ। ये एक जो ये रेसिपी है ना, एक मूवी में थी, रैटटूई। वो मूवी एक माउस और उस शेफ के बारे में है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, लेकिन बहुत फन मूवी, आपको वॉच करनी चाहिए। तो ये जो डिश है वो उस मूवी में थी। तो आज ये मैं ट्राई करूंगी कैसी बनती है। तो मैंने सोचा आपको रेसिपी भी देती हूँ साथ साथ। तो इसके लिए आपको चाहिए, ये मैंने 3 हालापिनोज काट के रखे हैं, ये है 2 जुकीनीज, यहाँ पे 2 टमेटोज है। ये सारा कुछ मैंने थिनली स्लाइस किया है। ये देखिए जुकीनीज भी थिनली स्लाइस्ड है। ये मैंने नाइफ से किया है, अगर आपके पास वो जो एक स्लाइसर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइफ से भी अच्छे से कट जाता है। यहाँ पे बैंगन है, ये भी किया मैंने, ये जो लंबा वाला होता है ये 2 हैं उसके, और ये पोटैटोज हैं 2। यहाँ पे है बेल पेपर्स, ये पूरा 1 है टोटल, सारा कुछ मिला के ये सिर्फ 1 है। यहाँ पे 5 ग्रीन चिलीज हैं, यहाँ पे 1 अनियन है, यहाँ पे 1 कप टमेटो पेस्ट का है, और यहाँ पे कुछ ऑलिव ऑयल भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये मिक्स्ड सीजनिंग है, इसमें बेजल, पार्सली और थाइम सारा कुछ है। ये है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हॉट सॉस और 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर। सबसे पहले मैं जो इस रेसिपी के लिए जो सॉस है वो बनाऊंगी, उसके बाद बाकी का सारा बनाऊंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। ओके, सब तो पहला असी बनावांगे सॉस। तो मैंने अभी स्टोव को ऑन कर दिया है, मीडियम हीट पे है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं, तो फिर इन्हें गर्म होने देना। इसको अब हम गर्म होने देंगे, जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम प्याज अंदर डालेंगे। तो अब इसके अंदर प्याज डाल देते हैं हम, और साथ ही अंदर ये पेपर्स। अब इसको 5 मिनट्स के लिए कुक होने देना है। वेखो कितना नाइस कलर ऑन दिया। तो हूँ ये अपनी स्पाइसेस सिटो, सीजनिंग, लून, मिर्चा, ये विनेगर डाल दें अंदर, हॉट सॉस और साथ में ये टमेटो वाला। ओके, अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और इसको अच्छी तरह कुक होने दें थोड़ी देर के लिए, 2 to 3 मिनट्स। साथ में अंदर अपने हालापिनोज भी डाल दें, इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी डाल दें अब। तो मैं अपनी रेसिपी में ये पास्ता भी डालूंगी, अगर आप डालना चाहते तो आप डालें, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन मेरी रेसिपी का पार्ट है ये। तो इसको भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। जो ये मेरी सॉस थी ये डन होगी, इसको मैंने स्टोव को ऑफ कर दिया है। इसको यहाँ पे मैं रख दूंगी जब तक पास्ता बॉयल होता है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। ये देखें, ये जो सॉस है ये भी तैयार है बिल्कुल, और यहाँ पे पास्ता को भी मैंने सिर्फ हाफ बॉयल किया था, आपने भी हाफ बॉयल करना है। अवन को 375 फ़ारेनहाइट पे मैंने प्री हीट कर दिया है, और जब तक वो प्री हीट हो रहा है तब तक हम सारा कुछ असेंबल करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये डिश ली है बड़ी सारी, आपको इसी तरह बड़ी चाहिए क्योंकि आपने पहले सॉस डालनी है, फिर पास्ता डालना है, फिर ये ऊपर वेजिटेबल्स डालनी है। तो चलें इसको असेंबल करते हैं। हाँ जी, तो ये डिश ले ली है। अब इसके ऊपर नीचे सबसे पहले आपने अपनी सॉस डालनी है, सारी नहीं डालनी, थोड़ी सी आपने बचा के रखनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, वो ऊपर डालेंगे हम। ये देखिए इसको स्प्रेड कर लें अच्छी तरह। हुन इस स्टेज ते तुसी अपना पास्ता उत्ते पा लेना, आए दे विच सिट दो, इदां दबा दो थोड़ा जिहा। तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हार्ड है, लेकिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजी है। तो अभी मैं आपको ये हटा के आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आपने जो वेजिटेबल्स है ना उनके सैंडविच, ये देखें इस तरह, पहले मैं एक आलू लूंगी, एक स्लाइस की साइज थिन काटी, और आप कोशिश करें एक ही साइज की कटें। फिर ऊपर से जुकीनी, ये एग प्लांट किया, ये टमाटर, और ये देखें सैंडविच इस तरह आपने बना लेना है, और इस तरह आपने सारी वेजिटेबल्स को बना के रख लेना है। तो अभी मैंने जो सारे वो जो सैंडविचेस थे वो बना लिए वेजिटेबल्स वाले, अभी इसके अंदर रखूंगी, मैं आपको बताती हूँ कैसे रखना है।
आपने यू लेने, कुछ में मैंने ज़्यादा डाल दिया, आपकी मर्जी किस तरह डालने, बस आपने ये कोशिश करनी कि कलरफुल हुए। तो एक साइड से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद दूसरा उसके आगे रखना है, यूँ इस तरह। आपने स्विच कर करके पूरे अराउंड इसके डिश के ऐसे ही रखना है, और बीच बीच में मैं थोड़े और वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। ओके, सो ये देखिए सारा कुछ मैंने अंदर रख दिया इसी तरह सर्कल बना के, ये देखिए। अब ऊपर जो थोड़ा सा पास्ता सा बनाया था वो ऊपर डाल देना है, थोड़ा सा ही रखना है आपने बचाव के बस। ये देखिए सॉस जो है वो सारी ऊपर मैंने स्प्रेड कर दी है। अभी इस डिश को मैं ओवन में रखूंगी पूरे 1 आवर के लिए, ऊपर फॉयल लगा के रखूंगी। सिर्फ 50 मिनट्स के फॉयल लगाने, फिर जो लास्ट 10 मिनट्स है उनमें फॉयल उतार के आपने बेक करना है। तो टोटल आपने इसको 1 आवर के लिए बेक करना है। ये देखें रेटाटुई रेसिपी हो गई है तैयार। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी थी, ऊपर आपकी मर्जी अगर आप डालना चाहते हैं तो। आपने मेक श्योर करना कि वेजिटेबल्स को बहुत ही थिनली स्लाइस करें ताकि अच्छी तरह से बेक हो जाए। और अगर आपके पास ये जुकीनी ना हो, जो बहुत ज़्यादा यू नो कंट्रीज में अवेलेबल नहीं होती, आप कोई भी और वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें जैसे आप पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी अम्मा कहती हैं कि जुकीनी की तरह एक होती है तोरी, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी इसको सर्व करते हैं। तो ये देखें ये रेटाटुई तैयार हो गई है। मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये सारी लेयर्स हैं साथ, अंदर सारे वेजिटेबल्स आ गए हैं, साथ में पास्ता भी है नीचे जो सबसे बॉटम पे था। तो मैं सारा कुछ थोड़ा सा लेके मैं टेस्ट करती हूँ। चीज बहुत मज़े का है, इतना मज़ा आ गया मैनू। ये जो वेजिटेबल्स है डिफरेंट टाइप्स, इनका फ्लेवर इतना मज़े का लग रहा है, और सारा कुछ आप एक बाइट में खाएं तो आहा हा 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 मज़ा ही आ जाता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपके पास कुछ वेजिटेबल्स नहीं है आप डिफरेंट भी रख सकते हैं, या फिर थोड़ी ज़्यादा कर लें, जो भी आपको पसंद हो वो आप डालें, कुछ इसमें से ना पसंद हो वो ना डालें, लेकिन ये आप ज़रूर ट्राई करें। और मिलते कल एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।